नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। केंद्रीय सुरक्षा संस्थान जीसीएफ में पदस्थ जूनियर वर्कर मैनेजर एससी खाटुआ की हत्या को लेकर बनी एसआईटी टीम ने जांच शुरू कर दी है। महज चंद घंटों की जांच में ही टीम को कुछ अहम सुराग मिले। जबलपुर एसपी अमित सिंह की माने तो उनकी हत्या संभवतः उन लोगों ने ही की है जिन्हें डर था कि मृतक खाटुआ कुछ जरूरी बातें सीबीआई को बता सकते हैं। एसपी ने इस पूरे मामले में शुरूआती कार्रवाई करते हुए जेडब्ल्यूएम की गुमशुदगी को लेकर जांच कर रहे एएसआई गुलाब चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही आरोपियों पर एसपी अमित सिंह ने 10,000 रूपये का इनाम भी घोषित किया है। ये 17th की बात है, 17 से ही वो सुबह 7 बजे, जैसा कि उनकी पत्नी का कहना है, वो गायब थे। वो जांच एएसआई कर रहे थे, एएसआई ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनको लाइन अटैच किया है, एडिशनल एसपी को हमने जांच दिया है प्राथमिकी कहाँ गलती हुई है। तो हम इस सारी चीज़ों पे बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे एडिशनल एसपी संजीव उइके हमारी एसआईटी के प्रभारी हैं, उन्होंने काफ़ी कल रात में मेहनत करके तथ्य कलेक्ट किए हैं। जीसीएफ के ऑफिसर्स से भी हम पूरी जानकारी ले रहे हैं, जरूरत पड़ी तो सीबीआई ऑफिसर्स से भी हम बात करेंगे। सरकार द्वारा भुगतान न मिलने से किसान परेशान है, जिसको लेकर आज उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुनिया सेवा सहकारी समिति के किसान प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि वे और उनके अन्य सहयोगी तकरीबन 20 दिन से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं और धरना देने के बाद भी उनके पैसे खाते में नहीं पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की पंजीयन व्यवस्था होने के बावजूद भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांग है कि जल्द से जल्द किसानों को उनकी मेहनत का पैसा दिया जाए। 3 लाख जब मैट्रिक टन खरीदी हुई है तो आपको वहाँ पे भंडारण की व्यवस्था करना चाहिए था, भुगतान की व्यवस्था करना चाहिए था, किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इन सब के लिए पंजीयन होता है। भुगतान न होने की वजह हमको वही समझ में नहीं आ रहा भाई कि आप भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा। भाई किसान ने तो अपने 4 महीने की मेहनत खून पसीना एक करके आपको बेच दिया और कमीशन दे के बेच दिया और पैसा लेके, और हम लोगों ने अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली में परिवहन कर दिया। अब और क्या चाहते, और कमीशन लेना चाहते तो और ले लो, पर पैसा तो दे दो। आखिरकार जबलपुर में कमलनाथ सरकार की कैबिनेट मीटिंग का आयोजन तय हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय से जबलपुर कलेक्टर को यह विधिवत सूचना दे दी गई है कि 16 फरवरी को जबलपुर में राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग के लिए जबलपुर के रामपुर में स्थित बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन को चुना गया है। 16 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे से कमलनाथ कैबिनेट की बैठक शक्ति भवन में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।